Hey, what's up guys? मैं आशुतोष दुबे सक्सेस जी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है आपका हेल्दी रहना, आपका स्वस्थ रहना। पिछले कुछ दिनों में आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि सक्सेस जी कहाँ गया, वेयर इज़ सक्सेस जी, आशुतोष दुबे के वीडियोज़ क्यों नहीं अपलोड हो रहे हैं। उसका रीज़न है आई वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर 10 डेज, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था 10 दिनों के लिए, मुझे डेंगू हो गया था जिसकी वजह से मुझे जबलपुर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अब मेरी जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, 5 दिनों तक मेरा फीवर नहीं उतर रहा था, 102 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर था मेरा उन 5 दिनों में, इससे ज़्यादा ही होता था, फिर 103, 104, 105 होता रहता था। कई बार का तो मुझे होश भी नहीं है, मुझे होश तब आता था जब मुझे बर्फ़ के पानी से रात के 1:30 बजे नहलाया जा रहा होता था। दिन में 8 से 10 बार मुझे कोल्ड स्पॉन्ज दिया जा रहा था। इतने आइस बकेट चैलेंजेस किसी ने पूरे नहीं किए होंगे जितने शायद मैंने उन दिनों किया। भगवान की दया से मेरा फीवर उतरा और एंड आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। मेरी कॉलोनी में मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनकी बेटी को डेंगू हुआ, जब वो वापस वहाँ से लौट कर आई उसके दूसरे ही दिन उनके भाई को भी डेंगू हो गया। अब बात चिंता की थी, डेंगू फैल रहा था। मैंने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट की, कंप्लेंट नंबर 9248209। इस कंप्लेंट को किए लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। खैर, मैं नहीं चाहता जो चीज़ें मैंने झेली हैं वो कोई और झेले, इसलिए मैं आज आपको सीधा डॉक्टर शरद सिंह के पास लेकर के जा रहा हूँ। वो आपको बताएंगे कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं और किस प्रकार आप सभी डेंगू या मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। ये वीडियो हो सकता है 2 पार्ट में बने क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। आप जिनकी भी केयर करते हैं, आपके सारे फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, प्लीज़ सबको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि हो सकता है ये वीडियो किसी की जान भी बचा ले, बिकॉज डेंगू एंड मलेरिया आर डेडली डिजीजेज जिससे हमारे देश में हर साल हज़ारों मौतें होती हैं। इससे पहले कि हम डॉक्टर शरद से चल करके बात करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप सक्सेस जी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर के तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डॉक्टर शरद सिंह की मदद से आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं डॉक्टर शरद सिंह जी से। धन्यवाद आशुतोष। मैं डॉक्टर शरद सिंह इस समय चीफ मेडिकल ऑफिसर बिरला सीमेंट्स में कार्यरत हूँ और सिद्धिविनायक क्लिनिक बिरला रोड पर प्रैक्टिस भी करता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेंगू की। डेंगू मच्छरों से फैलाया हुआ एक संक्रमित रोग है। इसमें मूलतः फीवर रहता है, बुखार ज़्यादा रहता है, हाथों पैरों और जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। डेंगू मच्छरों से फैलता है लेकिन मच्छर के अंदर एक परजीवी पाया जाता है जिसको कि हम लोग डेंगू वायरस बोलते हैं। मच्छर का एक प्रकार होता है एडिस, उसी मच्छर से ये डेंगू वायरस फैलता है। जिस मच्छर में डेंगू के वायरस पाए जाते हैं उन मच्छरों द्वारा अगर किसी मनुष्य को काटा जाता है तो डेंगू की बीमारी होती है। अच्छा, सर्वप्रथम मैं ये बता दूँ कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर शरीर में होता है तो जब हम खून की जांच कराते हैं तो उसमें हमको प्लेटलेट्स कम मिलते हैं। तो मैं एकदम साफ बता दूं दोस्तों कि हर प्लेटलेट्स कम वाली बीमारी को डेंगू नहीं कहा जाता है। हाँ, डेंगू में भी प्लेटलेट्स कम होते हैं। अब आपको बता दें डेंगू कितने प्रकार के होते हैं। मूलतः 4 तरह के डेंगू वायरस पाए जाते हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, और हर तरह के डेंगू वायरस ही खतरनाक होते हैं यदि उनका ठीक रूप से उपचार ना किया जाए। तो सर्वप्रथम डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट जाता है तो उसकी मेन जो कंप्लेन रहती है वो बहुत दिन से बुखार आ रहा है, गोली लेते हैं बुखार ठीक नहीं होता है, बदन में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर में दाने पड़ जाते हैं, ये मुख्यतः कंप्लेन रहती है मरीजों की। अब डेंगू फैलता कैसा है ये बता दिया हमने, डेंगू में क्या लक्षण होते हैं ये बता दिया, डेंगू की जांच कैसे की जाती है। तो सर्वप्रथम हम
कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, जिसमें मूलतः TLC, DLC, प्लेटलेट्स काउंट देखे जाते हैं। यदि पेशेंट को CBC में, जो CBC की पिक्चर है उसमें हमको टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट कम आ रहे हैं, प्लेटलेट्स कम आ रहे हैं, जिस तरह के लक्षण मैंने बताया उस तरह के लक्षण आ रहे हैं, दवाई फ़ायदा नहीं कर रही है, तो हम डेंगू की भी जांच करते हैं। यदि डेंगू का की जांच पॉजिटिव आ जाती है तो मैं सभी से आवेदन करना चाहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेंगू ठीक है, जानलेवा बीमारी है, यदि उसका इलाज कायदे से ना किया जाए। डेंगू बुखार 3 तरह का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग डेंगू फीवर, एक को बोलते हैं हम लोग डेंगू शॉक सिंड्रोम, और तीसरे को बोलते हैं हम डेंगू हेमोरेजिक फीवर। ये 3 स्टेज है। यदि डेंगू फीवर को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो फिर वो डेंगू शॉक में जाएगा, और उसको भी कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो हमारे शरीर से जगह जगह से हम ब्लड का रिसाव होने लगता है, वो एक ख़तरनाक कंडीशन है। जैसे ही आपको डेंगू के लक्षण प्राप्त हों, तुरंत अपने नज़दीकी चिकित्सक से मिलें, जाँच कराएँ, और चिकित्सक आपको भर्ती भी कर सकता है, नहीं भी भर्ती कर सकता है। एक बड़ा कॉमन परसेप्शन है हमारे हिंदुस्तान में कि प्लेटलेट्स चढ़ा देना चाहिए। प्लेटलेट्स तभी चढ़ाते हैं जब प्लेटलेट्स 50,000 संख्या से नीचे जाता है, या शरीर में खून के रिसाव के कोई लक्षण आने लगते हैं। अदरवाइज ट्रीटमेंट के दौरान हम लोग IV फ्लूइड्स, यदि आवश्यक है तो एंटीबायोटिक, दर्द के लिए सिवाय पैरासीटामोल के और कोई दवा यूज़ नहीं करनी चाहिए। ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि प्लेटलेट्स ही हमारे शरीर के खून के रोकने का एक फैक्टर है, और यदि हम दर्द की कोई दवा ले लेते हैं तो वो फैक्टर और नीचे जाता है। तो अनुरोध आपसे है कि यदि बुखार आता है, बदन में दर्द होता है, तो केवल पैरासीटामोल लें। प्लेटलेट्स चढ़ाने की जिम्मेदारी चिकित्सक की है, वो ही डिसाइड करेगा कि आपको प्लेटलेट्स चढ़ाने हैं कि नहीं। तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट। अब डेंगू का बचाव कैसे करें? जैसा कि मैंने पहले बताया, डेंगू मच्छरों से फैलता है, तो सबसे पहले मच्छर जहां पैदा होते हैं, जहां पे मच्छर अंडे देते हैं, उन जगहों की सफाई, मानना मतलब जहां पर पानी इकट्ठा होगा वहां पर ही मच्छर अंडे देंगे, और जो डेंगू वाले मच्छर हैं वो भी वहाँ अंडे देते हैं। तो सर्वप्रथम अपने घर के अगल बगल सफाई रखें, घर के अंदर पानी इकट्ठा ना होने दें। ख़ास तौर से जैसे कोई कूलर है, कोई गमला है, कोई बर्तन ऐसा पुराना पड़ा है जिसमें बहुत दिन तक पानी है, घर के अगल बगल कोई गड्ढा है, वहाँ पर पानी इकट्ठा होने ना दें। पानी को साफ करते रहें, या यदि आवश्यकता नहीं है तो पानी को हटा दें। दूसरा, मच्छर मारने की जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं, स्प्रे यूज़ होता है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। उनको घर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, घर के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। तो डेंगू का इलाज तो अस्पताल में होगा, लेकिन सबसे पहले उसकी अवेयरनेस, उसके बारे में जानकारी और उसका बचाव, ये आपके हाथ में है। इसके बारे में ये भी सुना है कि इसका वैसे बेसिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं है, डेंगू का सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट इसका दिया जाता है। बिल्कुल सही पूछा आपने। कोई एंटीडोट नहीं है इसका? कोई नहीं। हाँ। ना इसका कोई वैक्सीन है, ना इसका कोई एंटीडोट है। हाँ। क्योंकि ये पैरासिटिक इन्फेक्शन है, परजीवी इन्फेक्शन है, तो इनसे बचाव ही सबसे बड़ा इसका उपाय है। एंटीबायोटिक हम लोग देखिए, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। अगर नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन भी होता है तो वहाँ पे जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं वो एंटीबायोटिक इसीलिए देते हैं कि कहीं कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि उस समय आपकी जो प्रतिकारक क्षमता है, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो लो रहती है, तो दूसरा इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, लेकिन उसकी ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हम एंटीबायोटिक दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों के लिए। कोई भी व्यक्ति तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वो स्वस्थ ना हो। आप स्वस्थ रहेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप भले चाहे कितने बुद्धिमान हों, भले चाहे कितने टैलेंटेड हों, लेकिन आप अपने आप में ही स्ट्रगल करते रह जाएंगे। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि जो भी टिप्स और जो भी सजेशंस, जो भी अपने एक्सपीरियंस से डॉक्टर साहब ने बताया, आप उसे फॉलो करिए।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट से आप बताइए कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। मैं डॉक्टर साहब से पूछ करके पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।